आज की साइकोलॉजी की क्लास में हम एक बार फिर से एचपीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज हमारी क्लास थर्ड रहेगी, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में हमने डिफरेंट टाइप के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि आपके डिफरेंट टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। आज क्लास थर्ड है, एक बार फिर से इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे रहेगा, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? यानी कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसमें क्या आ जाती है, एक मेंटल रिटार्डेशन आ जाती है, उसके माइंड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। हो सकता है कि कोई बाय बर्थ उसको कोई इंजरी हो, या कहीं पे उसको जो है वो फैटल कोई एक डैमेज हो। यानी कि जब बच्चा माता के पेट में होता है तो हो सकता है उस टाइम पे बच्चे को जो है वो कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उस प्रोसेस को, वो जो मंदता आती है, वो जो मेंटल रिटार्डेशन बच्चे के अंदर आती है कि वो प्रॉपर ढंग से अपने माइंड का यूज नहीं कर सकता, तो उसको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जैविक मंदता, बायोलॉजिकल, पारिवारिक यानी कि फैमिली। नेक्स्ट है आकस्मिक यानी कि सुडन रिटार्डेशन, कहीं पर भी हो सकती, कभी भी हो सकती है। अगर नेक्स्ट आता है चिकित्सा मंदता यानी कि मेडिकल रिटार्डेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जैविक मंदता, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है मेंटल रिटार्डेशन की। लेकिन कब, यानी कि मेंटल हमारे दिमाग में कब प्रॉब्लम आएगी, जब उस बच्चे का जन्म हुआ या फिर जो बच्चा वो अभी माता के पेट में है, तो वो कैसे होगी? वो एक बायोलॉजिकल रिटार्डेशन है, यानी कि उसके ऊपर हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है? तो उसको कहा जाता है जैविक मंदता, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो लर्निंग डिसेबिलिटी का यहाँ पे उदाहरण जो है वो बताता है। सबसे पहला है मेंटल रिटार्डेशन, नेक्स्ट है डिसलेक्सिया, नेक्स्ट है अटेंशन डिफेक्ट हाइपरऑर्डर, एंड लास्ट है ऑटिज्म। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, डिसलेक्सिया, क्योंकि ये जो है वो एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या उपयुक्त किया जा सकता है? यानी कि ऐसी कोई टेक्निक, ऐसी कोई टीचर के द्वारा यूज की कोई स्कीम, जिससे जो हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड है, जिनको कम सुनाई देता है, तो उनके लिए टीचर कौन से मेथड का यूज कर सकता है? पहला है ब्रेल लिपि, दूसरा है कोडिंग लैंग्वेज, तीसरा है इंस्ट्रूमेंट यंत्रों का उपयोग करके, या चौथा है ऑल ऑफ दीज, ये सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कोडिंग लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है जिन बच्चों को कम सुनाई देता है। अब यहाँ पे एक ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन भी है, ज्यादातर हम क्या करते हैं जल्दबाजी में कई बार एक या दो ऑप्शन को देके ऑल ऑफ दीज पे टिक करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात कही गई है ब्रेल लिपि। तो ब्रेल लिपि उन लोगों के लिए होती है, या उन पर्सन के लिए होती है, उन बच्चों के लिए होती है जिनको दिखाई नहीं देता है, तो वो हाथों से उस लिपि को जो है वो टच करते हैं उसमें, क्योंकि डॉटेड फॉर्म में वो चीज होती है, तो उससे उनको पता चलता है। तो ये जिनको कम दिखाई देता है उनके लिए यूज होती है, लेकिन जिनको कम सुनाई देता है तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोडिंग लैंग्वेज। जैसे किसी को बुलाना है या बाय बाय करनी है, ठीक है, तो हम हाथ से इशारा करते हैं, या किसी को बुलाना है तो हाथ से अपनी तरफ उसको इशारा करेंगे, या उसको अगर ये बोलना है कि 1 2 3, ठीक है, कि वहां पे कितने बच्चे खेल रहे थे, तो अपने हाथ से इशारा करेंगे 1 2 या 3, तो कोडिंग लैंग्वेज। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? जब मैंने क्रिएटिविटी का चैप्टर आपको कराया था, तब इसमें मैंने आपको डिटेल में ये चीजें बताई थी कि ऐसे बच्चे जिनके अंदर टैलेंट है, तो कौन सी प्रॉपर्टी जो है, कौन सी करेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर नहीं होनी चाहिए। पहला है क्रिएटिविटी इन आइडियाज, दूसरा है फाइटिंग विद अदर्स, तीसरा है नोबेलिटी इन एक्सप्रेशन, एंड लास्ट है क्रियोसिटी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्योंकि जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनमें क्रिएटिविटी भी होती है, वो एक्सप्रेशन को काफी यूनिक वे से एक्सप्रेस करते हैं, क्रियोसिटी भी होती है, लेकिन दूसरों के साथ झगड़ना जो है वो यहाँ पे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स टैलेंटेड बच्चों में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, संबित शिक्षा जिसको इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहते हैं, उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है समुदाय के समर्थन पर,
स्पोर्ट ऑफ कम्युनिटी। उसके बाद है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, यानी कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनकी एक्सीलेंस कैसी है, किस तरीके से उनमें प्रॉपर एक उसमें मैनेजमेंट या उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट आता है ऑन द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्ट, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। और लास्ट आता है कि जो एटीट्यूड है टीचर का उसके अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता या एक्सीलेंसी जो है वो निर्भर करती है इंटीग्रेटेड एजुकेशन में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है, जो क्रिएटिविटी है वो किस चीज के साथ रिलेट करती है। ऑप्शन है मॉडलिंग, इमिटेशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड लास्ट है डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो आपको बताना है कि किस चीज के साथ ये रिलेट करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ जो है वो क्रिएटिविटी हमारी रिलेट करती है। आपको क्रिएटिविटी के चैप्टर में कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित सारथी को कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो, यानी कि एक टीचर है और एक ऐसा बच्चा है जिसको कम दिखाई देता है, विजुअली इम्पेयर्ड कोई एक बच्चा है और उसको दिखाई कम देता है, तो जब टीचर उस बच्चे को बाकी उस बच्चों के ग्रुप के साथ अगर किसी एक्टिविटी में, अगर कोई एक एक्टिविटी क्लास में हो रही है, अगर उसमें शामिल करती है टीचर, तो वहाँ पे क्या चीज़ें जो है वो हो रही हैं। ऑप्शन में कहा गया कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न होगी, ठीक है, बैरियर्स लग जाएंगे। सेकेंड है समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार वो कार्य कर रही है, ठीक है, टीचर। उसके बाद थर्ड में बताया गया सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित कर रही है, कि एक सिंपैथी जो है वो हमें शो करनी है, उसकी हेल्प करनी है। और लास्ट ऑप्शन है कि यहाँ पे एक स्ट्रेस जो है वो दिया जा रहा है कि विजुअल इम्पेयर लर्नर को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो सीखनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कि जो शिक्षिका है, जो टीचर है, वो समावेशी शिक्षा के भावना के अनुसार जो है वो कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, यानी कि एक टीचर है जिसमें ऑडियो विजुअल मटेरियल का यूज किया जा रहा है, उसके साथ साथ वो टीचर जो है वो क्लास में फिजिकल एक्टिविटी भी करवा रही है, तो उससे होता क्या है, शिक्षिका के लिए क्या होगा या बच्चों के लिए क्या होगा। तो पहले ऑप्शन में बताया गया कि वो टीचर को क्या कर देते हैं, रेस्ट कर देते हैं, कि बच्चे जो हैं वो उससे खुद मटेरियल का यूज़ करते रहें और टीचर रेस्ट पे आ जाते हैं, आराम कर लेते हैं उतने समय में। सेकंड आता है कि प्रभावी आकलन को गम बनाते हैं, ठीक है, प्रभावी आकलन जो होता है जिसमें इफेक्टिव असेसमेंट है, ठीक है, यहाँ पे गम की जगह आएगा, हाँ गम ही है, ठीक है, क्योंकि हिंडर यानी कि इसमें जो इफेक्टिव असेसमेंट है उसको थोड़ा सा हाइड कर देते हैं, वो प्रभावी चीज़ें जो है उनको कम कर देते हैं। थर्ड आता है शिक्षार्थियों की वैविध्य उपलब्ध करवाते हैं, कि उनको वेराइटीज़, बच्चों को जो है वो वेराइटीज़ मिल जाती है सीखने के लिए। और लास्ट आता है इसमें अधिकतर इंद्रियों का उपयोग करने से जो है वो उपयोग खाने सर्वृत करता है। इसमें ये चीज़ कही गई कि जब हम अपनी सेंसेस का अगर मोस्टली यूज करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो शार्प होता है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, कि जब भी टीचर नई नई चीज़ों को हमें बताते हैं, चाहे वो ऑडियो विजुअल मटेरियल हो, फिजिकल एक्टिविटी जब वो करवा रहे हैं हमारे टीचर, तो उससे क्या होता है, हमारी जो इंद्रियां हैं, जो सेंस हैं, हम उनका यूज करते हैं, क्योंकि टीचर ने अगर कोई चीज़ समझा दी तो हम अपने माइंड का यूज़ कर रहे हैं, उन सेंसेस का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो शार्प हो रहा है। देन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किन मुख्य नैराश्य का सामना करते हैं, यानी कि ऐसे बच्चे हैं जिनका हेयर लॉस है, ठीक है, कानों में उनको कम सुनाई देता, तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, ठीक है, निराशय का मतलब कौन सी प्रॉब्लम है जिनका वो क्लास में जो है वो सामना करते हैं। तो ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे
दूसरों के साथ संप्रेक्षण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता आती, यानी कि दूसरों से बात करने में या उनसे इन्फॉर्मेशन शेयर करने में जो है वो उनको दिक्कत आती है। सेकंड ऑप्शन में कहा गया दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता आती है कि वो दूसरे विद्यार्थियों के साथ एग्जाम नहीं दे पाते हैं, ठीक है, दूसरे विद्यार्थियों को के साथ पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ पाते हैं, ये खेल कूद में जो है वो अपनी भागीदारी नहीं निभा पाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि इसमें बताया गया कि जो बच्चे नहीं सुन सकते तो उनको क्या होगा, सूचनाओं को बांटने में जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी कि अपनी इन्फॉर्मेशन को वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, शेयर नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको क्लास में कराया है, डिसलेक्सिया किस चीज़ से रिलेटेड है, किस चीज़ की प्रॉब्लम है, सुनने से, पढ़ने से, बोलने से, या सुनने और बोलने दोनों से। सो डिसलेक्सिया जो है वो हमारा रीडिंग से रिलेटेड है, देन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को विकसित कर पाएंगे जब, जो टैलेंटेड या गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं वो अपनी एबिलिटीज को और ज़्यादा कैसे डिवेल्प कर पाते हैं। अगर कोई एक बच्चा जिसके अंदर कोई एक स्किल है, टैलेंटेड है, गॉड गिफ्टेड है, अगर उसकी अपनी क्षमताओं को विकसित करना है, उसकी जो एबिलिटी है अगर उसको और ज़्यादा डेवलप करना है उसको, तो वो क्या करेगा, ठीक है, उसकी बार बार परीक्षा होगी, उसका टेस्ट लिया जाएगा बार बार, या अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ा रहेगा, यानी कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो अदर बच्चों के साथ उसको एंगेज कर देंगे हम वहाँ पे। थर्ड है उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, उसको अलग किया जाएगा बाकियों से, या लास्ट है वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे, या उसके लिए जो है वो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस जो है वो लगाई जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कि उन बच्चों को अलग किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है या होती है, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि that type of pedagogy which requires special education, ऑप्शन है जो लोगों को दी जाती है, जो विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, जो बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है, यह स्थानीय मुखिया द्वारा स्थापित होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, विकलांग व्यक्तियों को जो है वो स्पेशल एजुकेशन जो है वो दी जाती है। स्पेशल एजुकेशन का मतलब होता है कि जो विकलांग लोग हैं उनको अलग तरीके से एजुकेशन देना, डिफरेंट मेथड, डिफरेंट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है टीचर के द्वारा, ताकि उनको अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ सके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टि बाधित की समस्या सूचित नहीं करता है? क्वेश्चन में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइन डज नॉट इंडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ विजुअल इंपेयरमेंट इन चिल्ड्रन, कि अगर किसी बच्चे को प्रॉपर ढंग से नहीं कोई चीज दिखाई दे रही है, ठीक है, तो उससे चीज यहाँ पे रिलेट आपको आंसर बताना है। दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या आती है, ठीक है, कि वो किस तरीके से गाइडलाइन को फॉलो करेगा उसमें उसको प्रॉब्लम आएगी, या सैडनेस आएगा, या ठोकर लगने का भय रहेगा, स्टम्बलिंग का उसको डर रहेगा, या फिर मेजर डिस्टेंस उसमें उसको इनएबिलिटी होती है कि वो डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकता। देखिए क्वेश्चन ध्यान से आपने पढ़ना है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन डज नॉट इंडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ विजुअल इंपेयरमेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, कि ऐसे बच्चे जिनको देखने में अगर प्रॉब्लम आती है तो ये उस चीज से रिलेटेड नहीं है कि दिशा निर्देश के अनुसरण में उसको समस्या जो है वो यहाँ पे आती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाक बाधित बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है उनको, ठीक है, हम उनको क्या चीजें बता सकते हैं जो स्पीच इम्पेयर्ड हैं, यानी कि बोलने में उनको दिक्कत आती है, तो एज ए टीचर हम उनको क्या कर सकते हैं, कक्षा में अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए उनको एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप आइडिया जो है वो और अच्छे तरीके से आप बता सकते हो, हमें उनको बार बार बताइए। सेकेंड है, सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करना कि किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करनी है वो उनको सिखाया जाएगा, ठीक है, उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करें कि जो वो बोल रहे हैं उसमें कौन कौन सी गलतियां हैं, ठीक है, वो हम जो है वो इजीली उसको जो है वो रिसीव करें और उनको जो है वो गलतियों के बारे में बताएं, या फिर है कि जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, उनके पास जाएं उसकी इवैल्यूएशन के लिए।
सो स्पीच इम्पेयरमेंट चाइल्ड कैन बी शोन, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए कि हमें बच्चों के विचारों को प्रदर्शित करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालक, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं तो उनमें कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती है ये आपको बताना है। यहाँ पे पहला है तीव्र और आसानी से सीख जाते हैं, फास्ट लर्नर होते हैं, ईजी सीख जाते हैं, जो बच्चे बिना पढ़े सुने पूरी पाठ याद कर लेते हैं उनको टैलेंटेड कहा जाता है, कि बिना सुने पूरी की पूरी किताब या पूरा एक लेसन जो है वो याद कर सकते हैं। तीसरा आता है थिंक अबाउट थिंग्स, वस्तु पर चिंतन करते रहते हैं, सोच विचार करते रहते हैं। और लास्ट आता है कम समय में ही अभिप्रेरण को अनुसरण कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि कम समय में ही चीज़ों को जो है वो याद कर लेते हैं। तो टैलेंटेड स्टूडेंट या टैलेंटेड चाइल्ड आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो जल्दी से, ठीक है, चीज़ों के बारे में सीख लेते हैं, जल्दी जल्दी चीज़ों को याद कर लेते हैं, ठीक है, आसानी से सीख लेते हैं, उनको टैलेंटेड चाइल्ड कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंद अधिगमकर्ता, उनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, उनको क्या कहा जाता है? यानी कि इसमें ये कहा गया कि जो रिटार्डेड बच्चे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है और वो एजुकेशनल अचीवमेंट में पीछे रह जाते हैं, जैसे कोई बच्चा जो है वो 10 दिन स्कूल नहीं गया, बीमार था, तो वो क्या होगा, पीछे रह जाएगा बाकी चीज़ों से, किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे उसको अपने फिजिकल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो, मेंटली हो, किसी भी वजह से जो है वो पीछे रह जाता है, तो उन बच्चों को क्या कहा जाता है? बैकवर्ड कहा जाता है, एक्सेप्शंस कहा जाता है, ठीक है, बाल अपराधी है, या फिर वो मेंटली वीक है, मानसिक रूप से कमजोर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा कि वो बाकियों से जो है वो बच्चा पिछड़ जाता है, बैकवर्ड हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृति का ज्ञान देना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचपी टेट 2013 का आपका क्वेश्चन रहेगा, उसके साथ साथ जेबीटी एंट्रांस का क्वेश्चन है 2012 का, उसके साथ यूपी टेट का क्वेश्चन है 2015 का एंड 2017 का, ठीक है, चार बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, रिपीट कर रहा हूँ। जो बच्चे विजुअल इम्पेयरमेंट होते हैं, दृष्टि दोष जिनको होता है, उनको कौन सी शेप का जो है वो ज्ञान देना चाहिए, कौन सी आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए एज अ टीचर? सबसे पहले फिजिकल लेक्चर देना चाहिए, भौतिक व्याख्यान करना चाहिए। सेकंड आता है बाय टचिंग द थ्री डायमेंशनल शेप, थ्री डायमेंशनल चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। नेक्स्ट आता है बाय फील्ड ट्रिप, बच्चों को कोई क्षेत्र जो है वो घुमाना चाहिए। एंड लास्ट आता है इनमें से कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बाय टचिंग द थ्री डायमेंशनल शेप। जैसे कि कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको कम दिखाई देता है, विजुअल इम्पेयर्ड है, तो हम उस बच्चे को क्या करवा सकते हैं, वो चीज़ टच करवा सकते हैं, जैसे कि कोई 3D शेप है, ठीक है, हमने क्या देखा कि हम बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, आयत पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैथ में, या हम उस बच्चे को जो है वो क्या पढ़ा रहे हैं, एक सफेयर पढ़ा रहे हैं, गोला हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चे को कम दिखाई देता है तो बच्चे को मैंने बोल दिया कि आपके पास जो घर में बोल होगी वो क्या होता है, एक गोल आकृति का होता है, तो बच्चा अभी तो उस चीज़ को इमेजिन कर लेगा, लेकिन अगर मैं वो चीज़ उसको डायरेक्ट सामने अगर उसको टच कराऊंगा, वो क्योंकि वो 3D शेप में है ना, हम जब ब्लैक बोर्ड पे वो चीज़ गोले को बना रहे हैं, जैसे मैंने अभी एक गोला बनाया, ठीक है, तो ये तो बन गया 2D में क्योंकि मैंने बनाया है, लेकिन अगर एक्चुअल में ये चीज़ एक क्रिकेट का बॉल अगर मैं आपके पास दे दूं, तो आप उस चीज़ को इमेजिन कर सकते हो, टच कर सकते हो, देख सकते हो, तो वो चीज़ 3D में आती है। तो जिनको कम दिखाई देता है उनको आप एज ए टीचर आप उसको 3D शेप जो है वो उसको उसके द्वारा जो है वो ईजिली समझा सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम एक बार फिर से एचपी टेट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक बार वीडियो को शेयर आप ज़रूर कीजिएगा, अगर आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही नई क्लास के साथ मैं आपसे मिलूँगा। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू सो मच।